नमस्कार, ये है सैक्सो फ्लूट, मिनी सैक्सो फ्लूट हम जिसे कहते हैं। और इससे पहले मैंने ये मॉडल बनाया था, इसमें थोड़ा प्लेइंग में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसमें जो प्रॉब्लम था वो पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया है। अब ये प्लेइंग में इतनी आसान हो गया है, कोई भी स्केल में हम इसे बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये प्ले हो जाता है। ये बाम्बू में इसकी जो खाना के रियल में अल्टीमेट है, चलिए मैं इसका थोड़ा आवाज़ आपको सुना देता हूँ। जैसे मैं ब्लोइंग करता हूं, हल्की सी ब्लोइंग में भी ये प्ले हो जाते हैं। इस प्रकार से बहुत इजीली प्ले हो जा रहा है। और ये पूरा बाम्बू का प्रॉपरली एडजस्टमेंट यहाँ पे अटैचमेंट, पर्टिकुलर इसको जो एंगल दिया है, यहाँ पे एक थंब होल होता है, नीचे से सा लेके ऊपर के तक एक सा का एक ऑक्टिव हमें मिल जाता है। इसे ब्लोइंग से, जैसे हम जो सैक्सोफोन यूज़ करते हैं उसे जो प्ले करते हैं, जिस टेक्निक से हम इसे प्ले करेंगे, वॉल्यूम को जैसे कंट्रोल करना, सुर को कम ज़्यादा करना, सेम इसमें यूज़ होता है। जैसे कि इस प्रकार से वो वाइब्रेटो जैसे हम कहेंगे उस प्रकार से, तो प्ले में इतना आसान हो गया है। यहाँ पे भी थोड़ा ये ऊपर मैंने क्लिप लगाया नहीं है, जस्ट रिकॉर्ड दैट इज अ टेस्टिंग पर्पज के लिए रखा था। ये जैसे बड़ा वाला मॉडल है, इसमें हम छोटा वाला मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये स्मॉल जो अलग स्केल की बनी है, सेम उसी प्रकार से बस इसका माउथ पीस निकालना है, उसको लगा देना है। मतलब ये इतना आसान हो गया कि एक माउथ पीस चार अलग अलग स्केल, दस अलग अलग स्केल आप ले सकते हैं। और इस हिसाब से हमने इसे डिज़ाइन किया है। यहाँ पे जो मटेरियल है ये कार्बन फाइबर का है, उससे उसका जो ब्लोइंग है ईजीनेस बन गया है, और अटैचमेंट के लिए बहुत काफ़ी ईजी बन गया है। तो प्लेइंग में इतना इजी बन गया है कि आई एम ऑल्सो सरप्राइज विद दिस फ्लूट कि ये इतना इजी था। इसे मैंने आई थिंक सो 4-5 महीने हो गए, इससे भी पहले ज़्यादा हुआ है। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया है, तो मैं ठीक है, मैं जब टाइम का थोड़ा, मेरा एक बाकी भी एक्सपेरिमेंट चलता रहता है इसलिए टाइम का थोड़ा इशू रहता है मेरे पास। लेकिन अब जब मैंने अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि चलो यार पूरा का पूरा इसमें टाइम पूरा इन्वेस्ट करते और देखते कि एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ क्या नहीं। तो मैं आपको बताऊँ कि ये मेन जो फोर्शन यहाँ से ऐसे अटैक करने का जो रहता है, जैसे आप सैक्सोफोन देखते हैं ना, उसका शुरू से लेके जो डायमेंशन बढ़ाया जाता है, उस प्रकार से अगर प्रॉपरली आप करते हैं तो ये इतना इजीली बन गया है। सो आई एम आल्सो वेरी हैप्पी विद दिस काइंड्स ऑफ मॉडल, सो एनीवन कैन परचेस दिस, और सभी के लिए ये बहुत ही ईजी बन गया है। और आप चाहे तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, मैं आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें और भी मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, इसमें और मैंने एक मॉडल बनाया है, ये जैसे कार्बन फाइबर का है, ये कार्बन फाइबर मटेरियल है, ये बाम्बू मटेरियल है, इसमें हम स्टील का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सेम काइंड्स ऑफ मैं कार्बन सॉरी जो एक्रिलिक रहता है, एक्रिलिक भी यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। अलग अलग मटेरियल पर हम यूज़ करेंगे, अलग अलग स्केल में इसमें बनाएंगे। और जैसे कि ये, जैसे कि तीनों हो गया, तो यहाँ पे एक ही माउथ पीस आपको लेना है। बस यहाँ पे शुरू में एक चीज़ होती है कि माउथ पीस अगर आपको क्वालिटी वाइज चाहिए तो उसका प्राइस अकॉर्डिंगली हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो ब्रांडेड कंपनी की बात करूँ, यमा का रहा,
तो उसका जो माउथ पीस है काफ़ी महंगा आ जाता है, 3000, 4000, 5000 इन बिटवीन रेंज में अलग अलग आ जाते हैं। और उसके साथ जो रीड है, रीड जो 3.0 का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है इसमें। रिको कंपनी का एक अच्छा भी रीड मिल जाता है, थोड़ा कॉस्टिंग भी कम करने से हो जाता है। तो इनिशियली आपका ये थोड़ा कॉस्टली जाता है, रही बात नहीं नीचे वाले पोर्शन की तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे बाम्बू का बस प्रॉपरली अरेंजमेंट करके देना है, इसमें ज़्यादा कॉस्टिंग रहेगा। इसका थोड़ा बहुत कॉस्ट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी जैसे मैं ये प्ले कर रहा हूँ तो ये कुछ ब्रांडेड नहीं है, इट्स एन लोकल है, क्योंकि मैंने मुझे एक्सपेरिमेंट करना था मेरे साथ। मैं शुरू भी मैंने 4-5 हज़ार इसका अलग अलग पीस लेके मैंने दिए भी हैं, किया है। तो इससे पहले मैंने जो मॉडल दिया था तो उसमें इतना मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन अभी ये इतना अल्टीमेट बन गया है, कम फूक में किस प्रकार से प्ले हो जाए ना उसमें मैं काम कर रहा था। क्योंकि जैसे हम फ्लूट को देखते हैं तो फ्लूट बहुत ही हल्की फ्लूक में प्ले हो जाता है, तो सेम प्रिंसिपल सेम उसी प्रकार से मुझे इसे बहुत कम फूक में प्ले करने का मैं सोच रहा था। तो ये विल गेट नाउ जैसे इस प्रकार से आराम से हो जाता है प्लेइंग में। थोड़ा प्रैक्टिस को तो डेफिनेटली ये कुछ अलग चीज़ है तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी उसमें। और इसमें ब्लोइंग का भी एक कंट्रोल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो फिर वो सुर भी चढ़ जाते हैं। तो इसमें मैं भी खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि वो परफेक्ट ट्यूनिंग आपको मिल जाए। तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही था। इसमें आपको कुछ सजेशन देना रहा तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।